जिक्र करेंगे चुनाव आयोग से सीएम की शिकायत की गई। दरअसल कांग्रेस ने सीएम की शिकायत की है, सीएम मोहन यादव की। कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र भी लिखा है, धर्म के आधार पर वोट मांगने का आरोप लगाया है, आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज करने की मांग की है। कांग्रेस के लिए अब शब्दों के इस्तेमाल का भी आरोप कांग्रेस लगा रही है और इसी को लेकर के पत्र लिखा गया है। विश्व प्रसिद्ध उज्जैन के बाबा महाकाल मंदिर में 25 मार्च होली के दिन भस्म आरती के दौरान हुए अग्निकांड की जांच रिपोर्ट अब पूरी हो चुकी है। कलेक्टर की माने तो कुछ एक्सपर्ट लोगों की रिपोर्ट आनी है और कुछ रिकमेंडेशन बचे हुए हैं, वो जैसे ही पूरे होते हैं जांच रिपोर्ट प्रस्तुत हो जाएगी। आपको बता दें कि महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में होली के दिन अग्निकांड हुआ, 14 लोग झुलस गए, इलाज के दौरान सेवादार की मौत हो गई और उस समय महाकाल मंदिर के तत्कालीन प्रशासक संदीप सोनी को भी हटा दिया गया था। तो जो अग्निकांड हुआ था महाकाल मंदिर में उस पर रिपोर्ट आने थी, इंतजार किया जा रहा था और बस कुछ ही दिन का इंतजार और है, चूंकि तैयार हो चुकी है पूरी तरह से रिपोर्ट, अब पेश करना बाकी है। द्वारा काफी कुछ जांच कर ली गई है, कुछ एक एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स और कुछ एक रिकमेंडेशंस और बचे थे, वो पूर्ण होते ही इसको जल्द से जल्द प्रस्तुत कर देंगे। सागर में गेहूं घोटाले का मामला सामने आया, यहां सरकारी कर्मचारी ही सरकार को चूना लगा रहे हैं। क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। सागर में सरकारी कर्मचारियों के द्वारा ही सरकार को चूना लगाने का मामला सामने आया है। सानौधा सेवा सहकारी समिति के कर्मचारी सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहे हैं कि वो कैसे सरकारी गोदाम में गेहूं रखने से पहले उसे भिगा रहे हैं। वेयर हाउस में गेहूं के रखने से पहले उसे इसीलिए भिगोया जा रहा है ताकि उसका वजन बढ़ाया जा सके। गेहूं को उस तरह भिगोने से वो जल्दी खराब हो जाता है जिससे सरकार को लाखों रुपए की चपत लगती है। गेहूं भिगोने का सीसीटीवी सामने आने के बाद विभागीय अधिकारी मीडिया से बचते हुए नजर आ रहे हैं और कोई भी अधिकारी बात करने को तैयार नहीं। वहीं इस मामले में प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जहां इस मामले की जानकारी नहीं होने की बात कही, तो वहीं पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है और मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पानी मिलाए जा रहे गेहूं में, इस बारे में आपका क्या कहना है? आप मंत्री हैं, नहीं तो सोशल मीडिया वीडियो वायरल हो रही है, तो इन पर क्या कार्रवाई हो सकती है? अकेले खरीदी केंद्र ही नहीं, मध्य प्रदेश में सभी जगह मिलावटखोरी जमाखोरी का माहौल बना हुआ है और प्रदेश की तमाम सारी वह एजेंसियां जिनको रोकने का यह काम दिया गया है वह चुपचाप होकर यह सब देख रही है। दुर्भाग्य की बात है कि इस जिले के मंत्री जी के द्वारा अनवैधता जारी करना भी एक अपने आप में प्रश्न चिन्ह लगाता है। मैं गुजारिश करूंगा प्रदेश के मंत्री और मुख्यमंत्री से कि इस तरीके की मिलावटखोरी को तत्काल रोका जाए। प्रदेश की जनता की गाढ़ाई कमाई को जो लोग खा रहे हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए। गेहूं भिगोने का वीडियो वायरल होने के बाद इस समिति में कुछ विभागीय अधिकारी जांच करने भी पहुंचे थे, लेकिन बाद में मामला रफा दफा कर दिया गया। इसकी जानकारी जिले के आला अधिकारी को होने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई समिति पर नहीं की गई है। पंकज प्रजापति, न्यूज 18, सागर। जबलपुर में जिला सहकारी मर्यादा बैंक के समिति प्रबंधक भर्ती में घोटाले उजागर होने के बाद कलेक्टर ने सभी 27 नियुक्तियों को निरस्त कर दिया। भर्ती प्रक्रिया में हुई अनियमितता की जांच के लिए 3 सदस्य टीम गठित की गई है और जांच टीम ने आरक्षण नियमों का उल्लंघन पाया। इतना ही नहीं, भर्ती प्रक्रिया में मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 का उल्लंघन भी सामने आया। मामले में भोपाल कमिश्नर को भी जांच के लिए पत्र लिखा गया। इंदौर में राशन की हेराफेरी का पर्दाफाश हुआ है। बता दें आपको, सावे रोड इंडस्ट्रियल इलाके में गरीबों को बांटे जाने वाला राशन मिला है। अब इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है जिसमें बताया गया है कि करीब 500 क्विंटल चावल की हेराफेरी की जा रही थी। सरकारी राशन दुकान से बिकने वाला चावल व्यापारियों के गोदाम से मिला। पुलिस ने मामले में व्यापारी सतीश अग्रवाल, सक्षम अग्रवाल, मकसूद मोहम्मद समेत 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है।
जबलपुर में सरकारी जमीन से कब्जा हटाया गया। कलेक्टर के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई और कार्रवाई के दौरान सीहोर के छपरा गांव में डेढ़ करोड़ रुपए की सरकारी जमीन से कब्जा हटाया गया। बताया जा रहा है कि सरकारी जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया था, इस पर खेती की जा रही थी। पुलिस की तैनाती के बाद जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। और इसी बीच बड़ी खबर का जिक्र करते हैं। ग्वालियर से एक खबर है जहां पर युवती से चलती ट्रेन में दुष्कर्म हुआ है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में ये दुष्कर्म की वारदात हुई है। ग्वालियर जीआरपी से शिकायत की गई है। ग्वालियर जीआरपी ने मामला दर्ज कर लिया है। ठाणे जीआरपी को केस डायरी भी भेज दी है। ग्वालियर की रहने वाली ये युवती बताई जा रही है जो इस दुष्कर्म का शिकार हुई। फिलहाल पूरे मामले में अभी जांच पड़ताल जारी है।